यानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, लंदन में 2021 सब्जेक्ट रैंकिंग के अनुसार भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT कानपुर या डी IIT खड़गपुर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में जल संकट को दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने मिस्त्री और मजदूरों के दल को किया रवाना। गर्मी के दस्तक के साथ ही जिले में बढ़ने वाले जल संकट को देखते हुए भागलपुर के समाहरणालय परिसर से चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया गया। PHED विभाग की पहल पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर 81 मजदूर और मिस्त्री के दल को जिले में बंद पड़े चापाकल को ठीक कराने को लेकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है और भागलपुर में लगातार भूजल का स्तर नीचे जा रहा है और जिले में पड़ने वाले भीषण जल संकट को देखते हुए 27 टीम पूरे जिले के गांव-गांव और टोला-टोला जाकर बंद पड़े चापाकल का मरम्मत का कार्य करेगा। DM ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राइजर पाइप लगाकर चापाकल को भी ठीक किया जाएगा। इस बार आप लोग भी देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो समय से पहले काफ़ी पहले से ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। पूरे राज्य में हम लोग ये देख रहे हैं और भागलपुर में पेयजल की का जो है जल स्तर जो है भूजल का वो नीचे पहले के सालों में भी जाता रहा है। हम लोगों ने इस बार काफ़ी पहले ही टोटल 27 टीमें निकाली हैं पूरे ज़िले के लिए, जिसमें 81 जो है मजदूर हैं और वो विभिन्न स्थानों पर जा करके जहाँ भी चापाकल ख़राब है उसकी मरम्मती करेंगे। अगर कहीं राइजर पाइप लगाने की ज़रूरत है, अगर भूजल का स्तर नीचे चला गया है, राइजर पाइप लगा करके उस चापाकल को फंक्शनल करना है तो उस दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और एक हम लोग नंबर भी जारी कर रहे हैं, कोई भी ग्रामीण कोई भी व्यक्ति उस पर फ़ोन करके ये बता सकता है कि वहाँ पेयजल की समस्या है, चापाकल ख़राब है, तो वहाँ इमीडिएटली टीम पहुँचेगी और रिपेयर कराएगी। नल जल का जो स्कीम है वो तो चल ही रहा है, उसमें भी हम लोग हर घर में नल का कनेक्शन दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त चापाकल भी हर एक टोले में, हर एक गांव में, हर एक वार्ड में फंक्शनल रहे, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास PHD की तरफ से किया गया है। भागलपुर पहुंचे पूर्व रेलवे के GM, कहा यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए रेल प्रशासन है जागरूक। पूर्व रेलवे के GM मनोज जोशी यात्रियों को रेल प्रशासन के द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का निरीक्षण करने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्पेशल ट्रेन से भागलपुर स्टेशन पहुंचे। इस दौरान भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने कहा कि यात्रियों का सुविधाओं का जायजा लेने वे क्यूल जंक्शन से भागलपुर जंक्शन तक यात्रियों से संवाद स्थापित किया, जगह जगह लोगों की समस्याओं को सुना और उसको दूर करने के लिए पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है। भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो कुछ तो भागलपुर है से भागलपुर को मॉडल स्टेशन कुछ यहाँ सुविधा बढ़ी है, कुछ तो इसको बनाइएगा। भागलपुर इतना मालदा का सबसे टॉप नहीं नहीं तो अभी आप पिछले साल से आप सुधार हम कह ही रहे हैं, अभी लिफ्ट वगैरह लग रहे हैं, सेकंड ओपनिंग भी अभी होने वाली है। भागलपुर हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण मॉडल स्टेशन है, मालदा डिविजन का भागलपुर सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है, तो वो सब बन जाएगा जो जो है वो भी नहीं चल रहा है, वो हमेशा हमेशा ध्यान में रहता है। इसको भी रेलवे ने इसलिए किया था क्योंकि कोविड में थोड़ा बहुत कम से कम कुछ तो डिस्टेंस रहे ना, जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती ही है तो ये भीड़ उतनी ही हो रही है, लेकिन आज के आज जाने वाले जो है उनको टिकट नहीं मिलने के कारण मजबूरी में वो सफर कर रहे हैं। ठीक है तो ये समस्याएं हैं, धीरे धीरे ये भी दूर होंगी। और दूसरी चीज़ें ये है सर कि अभी क्या है कि विक्रमशिला को रद्द कर दिया गया सप्ताह में दो अप और डाउन दोनों तरफ, लेकिन उनका रीज़न वो आपका वहाँ पे लोकल उसका है नहीं। देखिए हमारा जो RTF है वो लोकल जो पुलिस है उसके संग कोऑर्डिनेट करता रहता है, जहाँ पे भी
इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ के लोडिंग तो उसका है वो लोग समुचित नई नई चीज़ें क्या मिलने वाली हैं जैसे कि जो भी विजिट हुआ उसके बाद आप कुछ निर्णय लेने वाले हैं भागलपुर के मागठ प्रमंडल मंडल नहीं नई बम बरामद हुआ उसे डिफ्यूज किया गया तो वहाँ लाइट नहीं है नागपुर स्टेशन पर स्टेशन के बाहर का है बाकी हम एक बार जांच कर हमारे हिसाब से है जो हमारा चेक स्टेशन एरिया है हाँ मतलब लोकल पुलिस स्तर से अधिकारी ने भी लिख के दिया है बिहार सरकार के अधिकारी ने भी लिख के दिया है मैं वहाँ गया था ऑन स्पॉट पर ये बिजली वहाँ नहीं है नहीं नहीं स्टेशन के बाहर मिला है बम अंदर नहीं अंदर स्टेशन के अंदर मिला है रेलवे ट्रैक पर मिला उसका वो ना ट्रैक पर तो पूरा हम लोग प्लेटफॉर्म पर लाइट रहती है उसमें कोविड 19 ने सेटिंग चेयर कार्ड गाड़ी की बैठने की पुराने उसमें कोई ऐसे उनका वो लोग चाहते हैं कि वो लैंड उनको दिया जाए परमानेंट उनको ऑथराइज किया जाए वो रेल नहीं कर सकती उसका पहले किस सरकमस्टेंस दिया उसका वो जांच हो रहा है परंतु नियम का वो नहीं है मतलब पिछले 10-15 साल में पहले दिया था कोई अगर रहा वो प्रेसिडेंस को एक परमानेंसी नहीं दिया जा सकता तो उनको जाँच उसके परंतु जितना जो कुछ अपने वो करते हैं उनको कभी कभी जैसे अपना हटाया जा रहा है बाकी तो वो बेच ही रहे हैं अपना हम लोग जो खाली उसमें वो जैसे पटना और राजेंद्र नगर यात्रियों को सुविधा के लिए भागलपुर को मिला बिहार राजपथ परिवहन निगम के द्वारा 8 लग्जरी बसें भागलपुर प्रमंडल के लोगों को अब पटना जाना आसान हो गया दरअसल बिहार राजपथ परिवहन निगम द्वारा भागलपुर प्रमंडल को 8 लग्जरी बसें दी गई है इनमें 2 भागलपुर 2 जमुई 2 बसें मुंगेर बस डिपो से पटना के लिए चलेगी अन्य 1 एसी बस व 1 डिलक्स बस अगले सप्ताह भागलपुर जिले से चलेगी एसी बस रात के 9 बजे तिलकामांझी बस डिपो से पटना के लिए खुलेगी अभी जो 2 बसें मिली है उनमें से 1 बस का परिचालन अमरपुर बांका जमुई के रास्ते पटना जाएगी वहीं दूसरी बस सुल्तानगंज मुंगेर के रास्ता पटना जाएगी डिलक्स का किराया ₹335 एवं एसी बस का किराया ₹370 है बस में अगर कोई नशा का सेवन करेंगे तो अलार्म बजने लगेगा बस में LED व 2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं लग्जरी बसें आई है क्या क्या सुविधा है और कितनी बसें मिली है भागलपुर के लिए ये तो प्रमंडल है यहाँ 8 गाड़ी मिली है और जिसमें 2 गाड़ी जमुई और 2 गाड़ी मुंगेर और 4 गाड़ी भागलपुर के लिए भागलपुर से पटना के लिए जिसमें 1 गाड़ी AC है उसको हम रात्रि सेवा में चलाएंगे गाड़ी क्या क्या सुविधा है उसमें सर सुविधा है उसमें GPS है कैमरा है और यही सब सुविधा है और 2x2 गाड़ी है लग्जरियस है क्या समय लगता है यात्रियों के लिए क्या सुविधाजनक है उसमें क्या कंफर्ट है स्पेसियस है कंफर्ट यही है कि और प्राइवेट की तुलना में उतना ही लंबाई चौड़ाई में हमें सिर्फ 41 सीट की गाड़ी है और प्राइवेट वाले का तो 52 सीट वैसे भी रहता है कितना समय लगेगा यहाँ से पटना देखिए समय की बात तो वैसे रोड अगर ये क्लियर रहा तो 5-6 घंटा लग जाता है और सर किराया क्या रखा गया किराया इसका ₹370 है डिलक्स का बुकिंग का क्या सिस्टम है उसको कैसे बुक किया जाए बुकिंग के लिए हम लोग चलो ऐप से बात हो रहा है एक चलो ऐप है उसका नेट से बुकिंग होता है और प्रयासरत है पटना में तो और सभी जगह है ये सुविधा मगर भागलपुर में वो होने जा रहा है अभी वर्तमान में कैसे बुकिंग चल रही है वर्तमान में तो बुकिंग चल रहा है वही एडवांस बुकिंग काउंटर से कर रहे हैं बहुत जल्द ही आपको नेट सुविधा भी हो जाएगी और भी बसें आने की संभावना है सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें संपर्क सूत्र 8603493747 खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट भागलपुर 4 साल बाद बांग्लादेश जेल से आजाद हुआ राजेंद्र रविदास भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के उत्तू गांव निवासी राजेंद्र रविदास रोजगार के लिए 2017 में दिल्ली गया था फिर दिल्ली से पश्चिम बंगाल चला गया और वहां से बांग्लादेश की सीमा में बंगा पिपरा पुलिस ने उसे पकड़कर मुर्शिदाबाद जेल भेज दिया
चार साल से बांग्लादेश जेल में बंद राजेश रविदास मंगलवार को आजाद हो गया और बांग्लादेश और भारत की सीमा पर राजेंद्र कोष की मां मित्या देवी और बेटे को गले लगाए। इसके साथ ही विशाल का नंबर खोज निकाला, फिर साक्ष के साथ इनसे राजन रविदास की रिहाई का आग्रह किया। संस्था द्वारा किए गए प्रयास से एक साल के बाद राजेंद्र अपने परिजन से मिलने सफल हो पाया। कैसनो महसूस हो रहा जा? महसूस तो बढ़िया है। कितना दिन से मेहनत कर रहे हो? मेहनत तो मतलब कर जन की चार पांच साल से लगातार करते रहे लो। लगातार करियर ले सब जगह गेलो चलो। सब जगह की आशा दिल चले आशा तो कल की आई तो पैसा कहां कहां से लाए हैं आप? पैसा तो नंदिया जाकरी का धौरी से पैसा नंदिया जाकरी का कारपुट में से कर सब का खाली कर कर्जा पर पैसा के लेल का अभी सहयोग के कर लके लावे में संयोग तो कर लके मोहिन आरो महाद ने बेटा विशाल बेटा मोह थी बलम गया जी गांव के आदमी के सहयोग कर लगा गांव 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 के आदमी आरो पैसा में जाकर के सरपंच आरो हम खाली 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 तो में सरपंच के आरो पैसा सहयोग किया है जिला परिषद में खड़े होते हैं। कहाँ लगा था पैसा? 17,000 रुपए लगा किराया। उसने 17,000 रुपए दिए। कौन दिए? घर सलमान घर उसकी पोस्ट चल रही है थाना बेली को। और कैसे आप कब लाने के लिए गए थे? मैं 28 को दिल्ली से ट्रेन में राजधानी में बैठा और हावड़ा जंक्शन निकला और 2 तारीख को जैसे VSI वालों ने हमें बता दिया था कि रिलीज कर देंगे मैंने, तो 2 तारीख को मैंने इनकी मम्मी को और अपने भाई से फ़ोन पे बात करी कि स्कॉर्पियो गाड़ी हो या किसी भी चीज़ में थाने से व्यवस्था करके एक गाड़ी लेकर के आप बॉर्डर तक आ जाओ। और मैं और विशाल सर ट्रेन से बॉर्डर तक गए और 2 तारीख को मैं 28 को आ गया था 28 को बैठा था, 1 तारीख को कलकत्ता आ गया था। फिर कलकत्ता से हमारी ट्रेन थी 2 तारीख को 7:20 की जो कि 10 बजे पहुँचती है बॉर्डर गेटे बॉर्डर। फिर हम वहाँ गेटे बॉर्डर पहुँचे, मम्मी ये इनकी मम्मी और मेरा भाई पहले से वहाँ पे स्कॉर्पियो लेकर के तैयार था। फिर 12 बजे हमें बॉर्डर के अंदर ले जाया गया VSI वालों की गाड़ी में, मम्मी को मुझे और विशाल सर को। फिर वहाँ पे कागजी कार्रवाई हुई तो उसके बाद जो है तो 2 बजे के समथिंग हमें उन्होंने हैंडओवर कर दिया राजेंद्र रविदास को। और फिर हम वहाँ से आए तो VSI वालों ने हमें खाना भी खिलाया, बहुत अच्छे से बिठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। फिर उसके बाद इनका मेडिकल भी हुआ वहाँ पे, इनसे पूछा भी गया कोई मार वार कोई भी, तो इन्होंने मतलब सारे चेक वेक कर लिए हमने कपड़े वपड़े उतार करके, जैसे कोई इसकी किडनी ना निकाल ली हो कुछ भी हो, जैसे बांग्लादेश में दूसरे देश में तो हमें अगर ले रहे तो हम वहाँ पे जवाब देना पड़ता, इसलिए सारा चीज़ ओके करके फिर मेडिकल होने के बाद हम वहाँ से स्थानीय जो थाना था वहाँ पे गए, वहाँ पे भी साइन वाइन करे, आधार कार्ड जमा करके फिर वहाँ से हम सीधा निकले और घर समथिंग 2 या 2:30 बजे पहुँच गए थे अपने गांव में। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र द्वारा जान दिए जाने के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पार्ट 3 के 5वें सेमेस्टर के छात्र द्वारा अपनी जान दिए जाने के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक छात्र कैमूर निवासी मोहम्मद कबीर अहमद के द्वारा कॉलेज के हॉस्टल के रूम नंबर 3 में गले में फांसी का फंदा डालकर जान दे दिया है। गले में फांसी लगाए जाने की सूचना मिलते ही इंजीनियरिंग के छात्रों ने आनन फानन में करीब को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल लाया है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अभी तक किसी भी तरह का कोई कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। ऑफिस में काम कर रहे थे तो ये पता चला कि ऐसे ऐसे हॉस्टल नंबर 2 में कोई बच्चा अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है। क्या नाम है लड़के का और किस सेमेस्टर का विद्यार्थी? ये सब 5th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। अभी एग्जाम चल रहा था क्या? हाँ अभी एग्जाम चल रहा है। क्या लग रहा था कि एग्जाम का प्रेशर हो रहा था? अभी तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते, क्या कि एग्जाम तो उसका परसों हो चुका था ऑलरेडी, आज एग्जाम नहीं था। उसके बाद एग्जाम शायद 2-3 दिन बाद होगा ना। क्या वजह हो सकती है? हम लोग खुद इस चीज़ को खोज रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है, हम लोग को खुद नहीं पता क्योंकि ऐसा कहीं कुछ आया भी नहीं और एग्ज़ाम भी इससे पहले भी अच्छा चल ही रहा था और कहीं से कोई ऐसा कुछ सुनने को भी नहीं आया कि किस
किसी बच्चे को किसी तरह को कोई दिक्कत हो। नहीं, हम लोगों को ये नहीं पता। हम लोगों को तो सीधे हम बच्चे को पता चला तो बच्चे को लेकर हम लोग हॉस्पिटल आ गए। ये रहने वाला कहाँ का था विकास सर? कैमू डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ नहीं, जो कैमू डिस्ट्रिक्ट भभुआ बिहार का। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अखिलेश सिन्हा, हम प्रोग्राम मैनेजर हैं। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया बेहतर चित्रकारी के लिए नवगछिया एसपी ने किया बालक को सम्मानित, पूर्व में जीएस न्यूज भी दिखा चुका है बच्चे की कलाकारी। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बेहतर चित्रकारी करने पर नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव निवासी मोहित राज को अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया है और हौसला अफजाई की है। वहीं मौके पर मोहित ने नवगछिया एसपी को एक चित्र भी भेंट किया। मालूम हो कि जीएस न्यूज पर पूर्व में भी मोहित के कई कलाकारी के बारे में विस्तार से चर्चा कर वह वीडियो फुटेज भी दिखाया गया है, जिसमें जीएस न्यूज के लाइव कैमरे में मोहित ने मूर्ति तैयार किया है, जिसे जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। नवगछिया एसडीपीओ ने क्राइम मीट में आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए बनाई रणनीति। नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने मासिक अपराध गोष्ठी में पंचायत चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए सभी थानाध्यक्ष को धारा 107 की निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने कहा कि देखा जाता है कि चुनाव आते ही दारू के धंधेबाज सक्रिय हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस को ऐसे धंधेबाजों पर खास ध्यान रखना है ताकि चुनाव में शराब के इस्तेमाल को पूर्णतया विराम लगाया जा सके। वहीं क्राइम मीटिंग में सर्किल इंस्पेक्टर अमर विश्वास, गोपालपुर के थानाध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार समेत सभी थाने के थानाध्यक्ष मौजूद थे। क्राइम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पिछला महीना बीता है हमारा फरवरी, उसमें जितने भी क्राइम केसेस हमारे यहाँ रिपोर्टिंग हुए हैं उस संबंध में क्या कार्रवाई हुई है और क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा ये होता है कि पहले से जो लंबित चले आ रहे हैं कांड, उसमें जो फिरार अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी है तो विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। और तीसरा एजेंडा ये था कि आने वाले अभी समय में इलेक्शन होने वाला है पंचायत का, तो उसके मद्देनज़र अभी से ही हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं कि 107 की कार्रवाई, सीसीए की कार्रवाई और 109 की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और किस तरह के केस को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है? और खास करके जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस केसेस हैं और शराब के केसेस हैं उनके लिए विशेष रूप से हम लोग सतर्क कर दिए हैं कि आने वाले समय में होली भी है और इलेक्शन में है, तो इस दरमियान जो है देखा जाता है कि दारू के व्यवसाय में जो लगे हुए हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उन पर कंट्रोल करना है। और जो मर्डर करते हैं, छिनतई करते हैं, तो लूटपाट वाले जो अपराधी हैं वो कौन कौन जेल से बाहर हैं उन पर निगरानी रखना है, और जो फिरार हैं उनको अरेस्टिंग के लिए प्रक्रिया अपनाई है। सर, केस निष्पादन के लिए कई थाना क्षेत्र में रहता है, इसके लिए क्या दिया गया है? हाँ, वो तो चूँकि वो प्रोसेस है जिसमें अरेस्टिंग का प्रयास हरदम होता है, लेकिन जो लोग अरेस्ट नहीं हो रहे हैं भागे फिर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अभी प्लान किए हैं कि उसको जल्द से जल्द कुर्की वगैरह का कार्रवाई करें, या तो वो सरेंडर कर जाएं या नहीं तो फिर उनके घर की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन, आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया, संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। करोड़ों की लागत से बना रंगरा प्रखंड कार्यालय का नवनिर्मित भवन पड़ा है वीरान। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी नई भवन में शिफ्ट नहीं हो सका प्रखंड कार्यालय। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड कार्यालय के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बना नवनिर्मित भवन एक वर्ष से वीरान पड़ा है। रंगरा प्रखंड कार्यालय के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बना नवनिर्मित आलीशान भवन
एक वर्ष से वीरान पड़ा है। मालूम हो कि एक माह पहले औचक निरीक्षण में भागलपुर के जिलाधिकारी रंगरा प्रखंड कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारी को 7 दिनों के अंदर नए भवन में हर हालत में शिफ्ट करने का निर्देश दिया, लेकिन अब तक नए भवन में प्रखंड कार्यालय शिफ्ट नहीं हो पाया है। नवनिर्मित भवन काफी सुविधाजनक है, यहाँ काफी ज्यादा कमरे हैं, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पहुंच पथ की है। करोड़ों की लागत वाले इस भवन को वैसे जगह पर बनाया गया है जहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस भवन के परिसर की एक कहानी यह भी है कि यह मानसून के मौसम में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। प्रखंड के कई बुद्धिजीवी लोगों ने बताया कि भवन के लिए जगह के चयन और अदूरदर्शिता दिखती है। वास्तव में उक्त स्थल प्रखंड मुख्यालय के लिए सटीक नहीं था। हालांकि जिलाधिकारी ने प्रखंड के पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया था कि रास्ते जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द समाधान कर 7 दिनों के अंदर हर हालत में भवन में प्रखंड कार्यालय को शिफ्ट किया जाए। वहीं पूछे जाने पर अंगरा चौक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नए भवन में प्रखंड कार्यालय को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन वह लोग रास्ते का अस्थायी निदान चाह रहे हैं जिसके लिए कुछ समय लग रहा है। जल्द ही प्रखंड कार्यालय को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। नवगछिया, अवैध लॉटरी टिकटों के साथ 3 लोग हुए गिरफ्तार। नवगछिया के ब्याहू चौक से पुलिस ने 3 को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई कर बाजार के ब्याहू चौक से अवैध लॉटरी टिकटों के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में मक्का तकिया निवासी संजय महतो, बिछिया महतो, रोहित जायसवाल है, जबकि 3 की निशानदेही पर पुलिस लॉटरी टिकट की आपूर्ति के जरायम धंधे से जुड़े अंकित कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार धंधेबाजों संजय महतो के पास से 130 पीस लॉटरी टिकट, बिछिया महतो के पास से 15 बंडल लॉटरी टिकट और रोहित जायसवाल के पास से पुलिस ने 15 बंडल लॉटरी का टिकट बरामद किया है। सभी लॉटरी टिकट सिक्किम स्टेट का है। 3 ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि वे लोग स्थानीय स्तर पर ही लॉटरी बेचते हैं, जबकि यहां उन लोगों को मक्का तकिया निवासी अंकित कुमार लॉटरी का टिकट उपलब्ध कराता है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे अवर निरीक्षक फागुराम ने कहा कि सुबह 8 बजे जैसे ही उनकी टीम ब्याहू चौक पर पहुंची कि पुलिस को देखते ही 3 भागने लगे। फिर उनकी टीम ने 3 को खदेड़ कर धर दबोचा। जब तलाशी ली गई तो 3 के पास से अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया गया। मामले की प्राथमिकी फागुराम के लिखित बयान पर नवगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है। इधर थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि पुलिस अंकित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, जल्द ही लॉटरी के धंधे में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया, रंगरा पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। 35 लीटर देसी शराब बरामद। रंगरा पुलिस ने तिनटेंगा दियारा के लाल साहब गंगा दियारा में छापेमारी कर एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर मौके से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में करारी तिनटेंगा निवासी पप्पू कुमार मंडल और झल्लूदास टोला निवासी लूको मंडल है। जानकारी देते हुए नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस ने 35 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरण जैसे गैस सिलेंडर, चूल्हा, ड्रम भी बरामद किया है। छापेमारी अभियान में रंगरा थाने के थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक महताब खान समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।